आता है कि आने वाली जिंदगी हमारी कैसी होगी, 17 के बाद ही नहीं, आने वाले वक्त में इस कोरोना के बीच में हमें कैसे जीना है। थोड़ी देर में सभी देशवासियों को प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आदर पूर्वक नमस्कार। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, 3.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है, न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं, तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां
शास्त्रों में कहा गया है, एषः पन्थः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति यह है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि, आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है।
टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है, तो स्वाभाविक है हर भारतीय गर्व करता है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है। मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। साथियों, हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्याण की राह पर ही चला। वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया, हम विकास के लिए तरसते रहे। आज फिर भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है, तब भी विश्व कल्याण की राह पर अटल है। याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। साथियों, मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे, लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना।
भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड,
लेबर, लिक्विडिटी और लॉज, सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिबद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते 6 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए, उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई है। वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी, वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुंच पाएगा। लेकिन ये हुआ, वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद थे, जनधन, आधार, मोबाइल, जेएएम, जेम की त्रिशक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था, जिसका असर हमने अभी देखा। अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक करना है, नई ऊंचाई देनी है। ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे, ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्सेज और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। ये रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे। साथियों, आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है। और आज ये समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इसे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और
क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी। साथियों, ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया? अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए, वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं, याद करता हूं, जब मैंने आपसे, देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, यह भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते
कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, दो गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का यह युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, दो बहुत बड़ी बातों का ऐलान देश के सामने प्रधानमंत्री ने किया। सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन 4 लागू होगा 17 मई के बाद से, यानी 18 मई से लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा, लेकिन यह बिल्कुल नए किस्म का लॉकडाउन होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाउन तो होगा लेकिन पिछले लॉकडाउन से बिल्कुल अलग, और इसकी शर्तें भी बिल्कुल अलग होंगी। आज एक अभूतपूर्व भाषण प्रधानमंत्री ने दिया है जिसमें उन्होंने देश के सामने यह चुनौती रखी कि इस विपदा को आप कैसे अपने लिए एक अवसर बना सकते हैं, और इसके लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी प्रधानमंत्री ने आज किया, जो कि गरीब से गरीब और उद्योगपति, उद्योग जगत के लोगों को भी मदद करेगा। लेकिन बड़ी बात पहले आपको बता दें, लॉकडाउन 4 का ऐलान प्रधानमंत्री ने कर दिया है, यानी अभी लॉकडाउन चलेगा। 17 मई को लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा है, 18 तारीख से एक नए किस्म का लॉकडाउन होगा जिसकी शर्तें और नियम नए होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने यह कही कि हमें बचना भी है लेकिन आगे भी बढ़ना है, यानी अब कोरोना के साथ साथ कामकाज करना होगा। अब इसकी नियमावली जारी होगी, देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो बारीक दिशा निर्देश है उसमें किसके लिए क्या है,
कौन कौन से सेक्टर्स को खोला जाएगा। लेकिन आज के प्रधानमंत्री के भाषण से एक बात साफ हो गया कि वो देश को इस बात के लिए तैयार करना चाहते हैं कि कोरोना अभी रहने वाला है और कोरोना के बीच ही हमें रहना है, हमें आर्थिक गतिविधि भी बढ़ानी है, हमें इसे अवसर में तब्दील करना है, हमें दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करना है। और इसीलिए एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया, 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री ने आज किया। उन्होंने कहा कि यह भारत की कुल GDP का लगभग 10% है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी रकम है। और इस पैकेज का उन्होंने कहा श्रमिक हो, मजदूर हो, किसान हो, मिडिल क्लास हो, उद्योगपति हो, छोटा उद्योग चलाने वाला हो, MSME सेक्टर में कारखाने चलाने वाले लोगों, सबको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन लॉकडाउन के बीच ही ये सब कुछ करना होगा। अब वो गाइडलाइंस जब जारी होंगी तब पता चलेगा कि आखिर ये आर्थिक गतिविधि कैसे आगे बढ़ेगी, किन इलाकों में कामकाज आगे बढ़ेगा। लेकिन लॉकडाउन अभी देश में रहने वाला है, जो कि 18 तारीख से शुरू होगा। आपको प्रधानमंत्री का आज का ये वाकई अभूतपूर्व भाषण एक बार फिर सुनना चाहिए, इसकी बड़ी बातें एक बार आपको फिर सुनाते हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का यह युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से। और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही वो थी विशेष आर्थिक पैकेज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है और लोकल पर जोर दिया कि आप लोकल स्थानीय उत्पाद का भी इस्तेमाल भी करें और उस पर वोकल भी हो, यानी कि उसके बारे में लोगों को जागरूक भी करें। लेकिन 20 लाख करोड़ का पैकेज, जो भारत की GDP का लगभग 10% है, इसकी घोषणा आज प्रधानमंत्री ने की है और इसका फायदा उन्होंने कहा हर तबके के व्यक्ति को होगा। एक बार फिर आप सुनिए आर्थिक पैकेज को लेकर प्रधानमंत्री की घोषणा। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए
नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है।